थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। अब थोड़ा सा ये चीज़ आती है कि आज की डेट में हमारे अगर इंडिया में देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन से भी लोग नीचे हैं, एक जनरल भी कैटेगरी है, एक हाई फैमिली भी कैटेगरी है। तो यहाँ पे सभी को देखते हुए, सभी मतलब कैटेगरी को देखते हुए LIC ने अपने प्लानों को इस तरीके से, प्रपोजल को इस तरीके से बनाया है कि कोई व्यक्ति, वो चाहे वो रिक्शा ही क्यों ना चलाता हो, वो भी पॉलिसी अपनी एक ले सकता है। अगर किसी बड़ी कंपनी में अगर हम जाते हैं और उसने बोल दिया कि वो रिक्शा चलाता है और सब्जी का ठेला लगाता है, तो वहाँ उसको पॉलिसी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे LIC ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिल्कुल मिडल का हो, चाहे बिल्कुल वो पॉवर्टी लाइन के नीचे का भी हो, वो भी पॉलिसी को एक ले सकता है और अपने मतलब जीवन को वो सिक्योर कर सकता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आज की डेट में बहुत सारी इम्प्लीमेंट हो गई हैं। आज हमारा क्लेम रेशियो भी बढ़ा है, लेकिन LIC ने क्लेम देने से कभी नहीं मना किया है। और एक सबसे और खुशी की बात है कि LIC ने एक चीज़ और कह दिया है कि आज की डेट में अगर हमारा COVID-19 की उससे COVID-19 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसका क्लेम उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि हमारा नॉर्मली जो क्लेम होता है वो ट्रीट किया जाता है। तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मेलिटी मांगी जाती है बस उतनी देनी है। COVID-19 को भी जनरल कैटेगरी में रख के आज उसके क्लेम किए जा रहे हैं। तो कंपनी का एक बहुत अच्छा ये सराहनीय कदम है कि आज COVID-19 को भी हमारे इस पॉलिसी में इनबिल्ट कर दिया है कि COVID-19 के केस में भी हम आपको क्लेम बिल्कुल ईजी तौर पर पे कर देते हैं। क्लेम का जो एक प्रोसेस होता है कि उसके हमें जो भी फॉर्म वगैरह जो भी फिल करने होते हैं, फिल करके अगर हम देते हैं तो नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि विद इन ए मंथ आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी में कोई आगे पीछे रह जाती है तो थोड़ा सा सर चेंज हो सकता है उसमें, कि हो सकता है वो 2 महीने तक चला जाए, लेकिन कंपनी कोशिश करती है कि जितनी जल्दी से जल्दी आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाए उसको पहले वो तरजीह देती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे आज की डेट में चेंज हुई हैं। लेकिन आज की डेट में हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा चरमरा गई है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी उस पर भी इम्प्लीमेंट कर रही हैं। लोगों का यहाँ पे ये हो गया है कि लोगों की इस दौरान जो हमारा COVID-19 चल रहा था, पेंडेमिक जो केस चल रहे थे, उसमें हमारा ये हुआ है कि लोगों की नौकरी तक चली गई हैं, कुछ की सैलरी आधी हो गई हैं। तो बहुत सारा इफ़ेक्ट हमारा COVID-19 के दौरान इधर 6 महीनों में बहुत ज़्यादा पड़ गया है। तो उसको भी धीमे धीमे सुधार किया जा रहा है उस चीज़ पे भी कि मतलब आज की डेट में जो हमारी पुरानी पोजीशन थी वो फिर से वापस आ जाए, ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का वो भी फिर से मजबूत हो जाए। अभी हम अगर बात करें तो कुछ पेपरों ने अभी ये निकाल दिया है कि 15 तारीख से स्कूल भी खोले जा सकते हैं और सिनेमा हॉल में भी खोला जा सकता है। तो ये किस हद तक सही रहेगा तो ये तो अभी कहना भी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपकी इसमें क्या राय है तो वो ज़रूर से ज़रूर हमें बताएं कि सिनेमा हॉल या स्कूल आज की डेट में खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। तो प्लीज़ आप इसको एक बार मेरे को ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से कोई नई जानकारी के साथ आपको फिर से एक बार मिलता हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। और भी आ गया है कि जिस व्यक्ति को हम इंश्योरेंस देने जा रहे हैं उसके हिसाब से उसका जो इंश्योरेंस है उसको सूट कर रहा है कि नहीं। तो ये एक इंश्योरेंस सूटेबिलिटी फॉर्म भी हमारे पास आ चुका है, जो भी इसको देने मतलब प्रपोजल को कंप्लीट करने से पहले इसको भी आज की डेट में हम देते हैं। अगर इसको नहीं देंगे तो हमारा प्रपोजल कम्प्लीट नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि आज की डेट में कि LIC के जो पहले हमारा केवल एक सिंपल सा फॉर्म होता था 4 नंबर का, आज वो फॉर्म को अगर हम देखें तो करीब मेरे पास 20 पेज हो गए हैं जिसको सारे पेज हमें फिलअप करके देने पड़ते हैं, तब हमारा कोई भी केस अंडर राइटिंग में निकलता है। इस चूँकि जो हमारा सूटेबल इंश्योरेंस सूटेबिलिटी का जो फॉर्म है उसमें केवल आपकी डिटेल के साथ साथ आपका ये भी देखा जाता है कि आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं वो प्लान आपके लिए सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस फॉर्म को आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो एक फॉर्म की पूरी पूरी डिटेल इस पेज पर आ जाती है। और इस फॉर्म को भरना ज़रूरी होता है, और प्रपोजर के भी साइन इसमें होते हैं और एडवाइज़र के भी साइन इस हमारे फॉर्म पे होते हैं, ताकि दोनों की सहमति बन सके कि मैंने मतलब आपके एडवाइज़र ने आपको ये चीज़ें बताई हैं या नहीं बताई हैं।
तो ये सारे इम्प्लीमेंट जो आज हमारे हुए हैं ये इसीलिए हुए हैं कि जो क्लेम रेशियो हमारा इधर बढ़े थे वो थोड़े से इसी पर्पज़ से कि क्लेम रेशियो बढ़ने के साथ साथ कुछ क्लेम में प्रॉब्लम भी आती थी कि वहाँ पे हम क्लेम नहीं दे पाते थे क्योंकि उनकी पेपर फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं होती थी। तो आज हमने सारी चीज़ें पहले से ही लेनी शुरू कर दी कि उस समय अगर हमको कोई भी एविडेंस अगर कोई भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है तो हम उसके क्लेम करने में अपने डॉक्यूमेंट से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमारे पास आई हुई हैं।